Okay, hello chatters, my name is Zoet and you are watching Russell Chatter. तो कैसे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए रोके एपिसोड के बारे में जो कि बैकलैश के बाद रोका पहला एपिसोड था और जानना यही था कि नेक्स्ट अब क्या होने वाला है आगे जो स्टोरी लाइन है वो कैसे प्रोग्रेस करने वाली है ओपन चैलेंज तो रखा हमारे बॉबी लैसली ने मेन इवेंट के अंदर एक थोड़ा आ, कह सकते हैं हम अलग ओपोनेंट भी आया और उस मैच में हार भी गए बॉबी लेशली रैंडी ओटन में काफी गुस्सा रहा जिस तरीके से आज मैच का रिजल्ट निकला तो पूरे शो के बारे में बात करने वाले हम लोग इस वीडियो के अंदर कैसा रोक एपिसोड था अच्छा था बुरा था वो सारी बातें और आपको करना हर बार की तरफ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसको

मतलब वो ही सब सीन बैठ रहा होता है इसके पास क्या होता है बॉबी लैसली रिंग में आते हैं और एमवीपी उनके बारे में तारीफ़ कर रहे होते हैं कि देखो अभी तो हमारा लैसली लड़के आया है ड्रूम मैकंडार उठ नहीं पाया ब्रॉन्ज स्वन भी कहीं ढेर पड़ा है लेकिन बॉबी लेसली देखो आज भी शो के ऊपर है वैसे तो उसको छुट्टी मनानी चाहिए थी लेकिन आज हम रखते हैं ओपन चैलेंज ऐसा कहते ही वो कहते हैं कोई भी बंदा आकर जरा लड़ ले बॉबी लेस्टली से इतने में ड्रू ड्रूम एगेंडार का थीम सॉन्ग प्ले होता है ड्रू ड्रूम रिंग में आते हैं और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ अब एम वी पी यहाँ पर ही कहते हैं भाई मेरी लाइन तो पूरी होने देते हैं मैं ये कह रहा था कि कोई भी बंदा लॉकर रूम से आकर चैलेंज कर सकता है बॉबी लेस्टली को सिवाय ब्रॉन्समन और ड्रूम एक्नटार के इतने में ड्रूम एक्न को गुस्सा आ जाता है वो अटैक कर देते हैं बॉबी लेस्ली के ऊपर बॉबी लेस्ली वहां से जाते हैं पहले तो बंदा खुद ही गया उसके बाद उसको मारने के लिए भी आ रहा रोक रहे है एम वी पी नहीं भाई मत जा अरे भाई लड़ना था तो रिंग से बाहर ही क्यों भागा तो ऐसा हमको सीन देखने को मिलता है और अभी भी हमको शो के मेन इवेंट के लिए यही एडवर्टाइज था कि बॉबी इलेट्री का ओपन चैलेंज है और अपोनेंट ड्रू एक्टायर नहीं होने वाले तो पूरे शो के अराउंड डब्ल्यू इसी डबल तरीके से बिल्ड कर रही थी कि कौन कौन करने वाला है बॉबी लेस्ट्री को चैलेंज खैर उसके बारे में बात करेंगे मेन इवेंट के अंदर लेकिन नेक्स्ट मैच हमको देखने को मिलता है एजेस टाइल्स वर्सेज अलायस का जहां पर साथ में ओमस होते हैं और उस साइड पर जैक्सन रायकर होते हैं ये मैच जरूरत से घसीट दिया मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था घसीटने की जरूरत है, है कि जब लग रहा होता है भी उनसे कुछ नहीं होने वाला, तो बस यहां पर बाहर से आउटसाइड इंटरफेरेंस हो गई जैक्सन रिस्कालीफिकेशन से मैच एंड हो जाता है ओमस उनके पीछे भागते हैं कि ये बंदे ने स्टाइल्स के ऊपर अटैक किया इतने में उधर से अलायस उनको अटैक कर रहे हैं मतलब ओमस का पूरा ऐसा घंटा बना के रखा हुआ है और वो ठीक से मदद नहीं कर पाया आज

इससे पहले क्या हुआ था आ, फूल को डाल दिया गया था पिछवाड़े में आज भी जीत तो गए एंजल गार्जा अपना फिनिशर लगा के और इस बार उन्होंने वो जो फूल है वो मुंह में डाल दिया मतलब ये क्या उनको कोई टास्क मिला हुआ है कि उनको फूल को इंसान के छेदों में घुसाना है अब अगले अगले छेद कौन कौन से हो सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं वो फिर आप देख ही लो लेकिन ये भी एक स्टुपिट चीज़ थी आज मंडी नाइट रॉ से ट्वेंटी फोर सेवन चैम्पियनशिप के भी हमको दर्शन देखने को मिल गया जहाँ पर बैक से आठ रूट होते हैं बहुत ही फन है अपनी एक्ट के साथ और इतने में अकीरा उजावा उनका फायदा उठा रहे थे पीछे से आकर और उन्होंने पिन करके ट्वेंटी फोर सेवन चैंपियनशिप जीत ली है अब मेरे को एक टाइम याद आता है जब रॉ इतनी बकवास चल रही थी लेकिन उस टाइम पर ट्वेंटी फोर सेवन चैम्पियनशिप एक ऐसी चीज़ थी जो कि फैंस को मजबूर कर रही थी शो पर ट्यून करवाने के लिए लेकिन इस टाइम पर तो ट्वेंटी फोर सेवन चैंपियनशिप का बुरा हाल है और रॉ का तो बुरा हाल है ही नेक्स्ट मैच आता है रैंडी ओटन वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच में और इससे पहले हमको एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला होता है जहां पर रिडल कोशिश कर रहे होते हैं कि वो रैंडी ओटन से अपोलोजाइज करवा लें जो उन्होंने अटैक किया था जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन के ऊपर रैंडी ओटन ना तो अपोलोजाइज करते हैं और कोफी जेवियर वुड्स कहते हैं अगर ये बंदा अपोलोजाइज करता भी तो भी हमें इसकी नहीं मानने वाले और उस बैक सेगमेंट की वजह से मैच ऑफिशियल हो जाता है रैंडी ओटन वर्सेज कोफी किंगस्टन के बीच में ठीक ठाक साहब मैच सा मतलब ठीक है रॉ के हिसाब से ओके ओके साहे मैच सा बट हमको कैसी देखने को मिलता है कि जो जेवर वुड्स का बाजा है वो इतनी जोर से बजा देते हैं वो कि इसकी वजह से रैंडी ओटन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रोल अप करके यहाँ पर कोफी किंगस्टन ने रैंडी ओटन को पिन कर लिया और ये चीज़ होने के बाद रैंडी ओटन बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं वो तो बस चाह ही रहे हैं कि कैसे भी अब वो इन दोनों को फोड़ दें लेकिन रिडल बीच में आ जाते हैं अब रैंडी ओटन तो वहाँ से चले गए रिडल भी गुस्से में आ जाते हैं उन्होंने भी जेवर वुड्स को धक्का दे दिया और वो भी वहाँ से चले जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि टैग टीम के लिए यहाँ पर इनके एक हो सकती है बट मैं चाह रहा हूँ कि रैंडी ओटन और रिडल रही चीज बहुत जल्दी बोरिंग ना हो जाए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें डब्ल्यू को लगातार हमेशा करने की जरूरत है इसके बाद अगला मैच आता है नटालियन टमिना वर्सेज बेजलर के बीच में और यह था चैंपियनशिप्स के लिए और चूंकि अलेक्सा ने पैरस से कहा था कि इस मैच के अब उनकी नजरें होने वाली है तो यहां पर उनका रोल था अब रोल ये था कि जो वो केन जैके पायरों नहीं होते जहां से पायरों निकलते हैं वो रिंग पोस्ट से वहीं से जो है पटाखे फूट गए उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है बस ये नटाले टमी ने इस तरीके से जीत जाते हैं और जो लिली है उसकी हमको लाभ भी सुनने को मिलती है बस यही रहा यहाँ पर वैसे भीजन में, में कुछ ऐसा चल नहीं रहा कि इसके बारे में ज्यादा बात की जाए नेक्स्ट हमको शेमस एंड रिकुशे देखने को मिलते हैं और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी जैसा कि रैसे मीन ने बैकलैश ऑफ के अंदर हम लोगों ने देखा था कि रिकोशे ने शेमस का वो जो पूरा आउटफिट है टायर है जो उनके ऊपर बहुत सूट करता है उसको पहन लिया आता तो यहाँ पर शेमस इसीलिए रो होते हैं कि भाई ये बंदा मेरा अटायर लेके भाग गया इसको तो मैं देख लूंगा तोड़ फोड़ कर दूंगा और रिकोशे यहाँ पर उनसे मजे भी ले रहे होते हैं इसके बाद हमको इनका नॉन टाइटल मैच देखने को मिलता है और ये अच्छा रेसलिंग मैच का शो के ऊपर शायद यही एक ऐसी चीज होगी रेसलिंग के हिसाब से जो आपको सबसे रॉक के ऊपर पसंद आने वाली है तो नॉन टाइटल मैच तो ऑब्वियसली रिकोशे तो वैसे भी नहीं जीतने वाले थे और वैसे भी नहीं जीते क्योंकि शेमस ने यहाँ पर ग्रुप एक लगा के रिकोशा का खेल खत्म कर दिया और बस रेन तो भाई शेमस का अच्छा चल रहा है लेकिन उनके उनके लिए अपोनेंट भी अच्छे ढूंढने पड़ेंगे ताकि वो और भी ज्यादा टेलीविजन के ऊपर अच्छे दिखाए वरना बहुत जल्दी वो बोरिंग हो जाने वाले हैं जल्दी से जल्दी कोई अच्छा कोई ऐसा अपोनेंट लेकर आओ जो कि शेमस के टाइटल को खतरे में भी डाले इसके बाद हमको अगला मैच देखने को मिलता है आज का वर्सेज शार्लट फेयर के बीच में और इसलिए था क्योंकि शार्लट कैरी होती है कि मैं थोड़ी पेन हुई थी मैं तो मैच में मैं मेरे को तो दोबारा मैच हुई रियरिपली से इसलिए उनको का से मैच मिलता है कि अगर वो ये जीत जाएं तो शायद इसके बारे में वो कुछ सोचेंगे लेकिन यहां पर जीतती जीती कुछ है नहीं शार्लेट फेयर क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रियर पर चढ़ी होती हैं और शार्लेट को उनके ऊपर ऐसे धक्का दिया शार्लेट उससे ही डिस्ट्रैक्ट हो गई और उसके बाद आसका ने जो है उनको पीछे से पिन करके शार्लेट को इस मैच में हरा दिया है इस फ्यूड के अंदर भी ऐसा लग रहा यार कोई इंटरेस्ट है पता नहीं हर मुझे ऐसा लग रहा है वैसे मुझे ही नहीं लग रहा ऑब्वियसली सभी को लग रहा है कि रॉ सबसे बेकार चल रही है और यहां पर भी सेम वही चीज हो रही है नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है लंबर जैक मैच डेमन प्रीस वर्सेस मॉरिसन के बीच में एंड डेफिनेटली जो हमने देखा रसमली बैकलैश के अंदर उससे काफी बेटर ये मैच था नॉर्मल बंदे थे कोई जॉम्बीज नहीं थे और इसको मैच को मैं ये जरूर कहूंगा बहुत ही ज़्यादा लंबा ये बात मैं आपसे क्लियर बोल देता हूं रॉक डब्ल्यू डब्ल्यू के पास इतना कंटेंट है नहीं कि वो तीन घंटे का रॉक का शो प्रोड्यूस कर सके और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि दो घंटे से ज़्यादा तीन घंटे का शो करने पर आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं किसी भी टेलीविजन के साथ डील करने के लिए बस इसके पीछे मैंने आपको अब सिम्पल से रीज़न बता दिया इसको दिमाग में रख लेना तीन घंटे का कॉन्टेंट डब्ल्यू के पास नहीं है रॉके एपिसोड के लिए बनाने के लिए इसलिए लंबर जैक मैच बहुत ही ज़्यादा घसीटा एंड लेकिन मैच अच्छा था मैं ये बोलूंगा एक वो कमाल का मूवमेंट था जब सारे लंबर जैक्स बाहर होते हैं और डेविन पीस ने कैसे सुपर प्लेक्स लगाया तो मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे थे लेकिन फिर भी ये जरूरत से ज़्यादा घसीटा गया और लास्ट में तो भाई डेविन पीस को जीतना था उन्होंने अपना फिनिशर लगा के इस मैच में हरा दिया मॉरिसन को इसके बाद हमको बैक्सट एक सेगमेंट भी देखने को मिलता है जहां पर शल्टन मैनेजमेंट और सर्ड्रिक एलेक्जेंडर भी लड़ रहे हैं अपने इशूज़ की वजह से लेकिन अब जब हर्ट बिजनेस से उनको हटा दिया उसके बाद से तो वैसे भी किसी ने उनको सीरियसली लेना बिल्कुल बंद कर दिया है बट बात करते हैं हम लोग शो के मेन इवेंट की जहां पर बॉबी लैसली का ओपन चैलेंज था बॉबी लशली तैयार खड़े होते हैं रिंग में इतनी बार कमर्शियल डाले दस मिनट बचे हैं शो में तब भी कमर्शियल आ रहा है तो भाई जबरदस्ती के चीजों को भरा जा रहा है फालतू के प्रोमोज हो रहे हैं पुरानी पुरानी चीजें दिखा रहे हैं तीन घंटे का कॉन्टेंट अगेन कह रहा हूं हमें नहीं है डब्ल्यू डब्ल्यू के पास बॉबी लैसली को चैलेंज करने के लिए आते हैं कोई और नहीं बल्कि कॉफी किंगस्टन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था पूरे शो पे हर बंदा कह रहा है मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा मुझे लगा कि जब लल्लू पंजू लोग बोल रहे हैं मैं करूंगा मैं करूंगा तो वो शायद इसीलिए होगा कि डब्ल्यू हमको ये बिलीव करवाना चाह रहे हो कि कोई भी एरा गैरा कर चैलेंज करेगा बट वो नाम एक्चुअल में बड़ा होगा अब पोफीन कोई एरे गैरे भी नहीं है लेकिन ये भी नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर कोई वो फिट बैठते हैं कि हमको मजा आ जाए ऊपर से पता क्या चलता है ये चैंपियनशिप के लिए भी नहीं होने वाला मैच। MVP कहते है मैच एम बी पी कहते हैं ठीक है ठीक है रुको रुको तुमने अनाउंसमेंट तो कर दी कि डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए होगा लेकिन हमने ऐसा कहा कब हमने तो ये कहा कि बॉबी लेस्ली का ओपन चैलेंज है तो कोफी का हो गया पोफ बट नॉन टाइटल मैच होता है उनका अगेंस्ट बॉबी लेस्ली वो कहाँ चैंपियनशिप के सपने सोच रहे होते हैं और यहाँ पर शुरू में हमने देखा कि कॉफी किंगस्टन ने के ऊपर कैसे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉफी ने भी उसका काफ़ी अच्छा जवाब दिया ब्रेक आता है ब्रेक जाता है और पूरे टाइम हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कॉफी किंगस्टन है वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बॉबी बॉबिलेस्टिन को दबा के रखा हुआ है और इस बार फिर से जेवर वुड्स अपनी टेक्निक का यूज़ करते हैं कि कैसे वो बाजा बजा के बॉबी बॉबिलेस्टली को डिस्ट्रैक्ट कर दें डिस्ट्रैक्ट तो उतने कुछ खास हुए नहीं लेकिन जब ड्रूम एगेंटायर आते हैं इंटरफेरेंस करने उन्होंने वही जो एम की छड़ी है वो गुजर दी बॉबी लेस्टली के और सिंपली कॉफी किंगस्टन ने पीछे से पिन कर दिया कोफी uh, ने बॉबी लेस्ली को पिन कर दिया और इस मैच के अंदर हार गए कर तो प्ले करेंगे स्टिल यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है लेकिन मैं नहीं चाहूंगा बॉबी ले ड्रूम एगेंटायर का एक सिंगल्स मैच फिर से क्योंकि अब वो चीज बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी और जहां तक बात रही बोरिंग चीज होगी तो आज का रोक एपिसोड भी एक बोरिंग शो था इसमें डेफिनेटली कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं कि आप लोग इसको बैठकर लाइव देखोगे तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया मैंने तीन घंटे रहो लाइव बैठ के है तो इसको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो एंड सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो